ताजमहल में एक भी बल्ब नहीं लगा है, इसके पीछे क्या रहस्य है कि ताजमहल में एक भी बल्ब नहीं लगा है? इस वीडियो के आप लास्ट तक बन रहे हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगा कि क्यों नहीं लगा। जी हाँ, वीडियो के लास्ट तक बन रहे हैं। जो वेद होता है, जो हम लोगों को पूजा पाठ करने के लिए बताता है कि आप इस प्रकार से पूजा पाठ करें, इस विधि से पूजा पाठ करें, इसका पूरा सच्चाई किस व्यक्ति ने लिखा है, उस व्यक्ति का क्या नाम है जो वेद को लिखे हुए हैं, वेद को समझाए हुए पूरे अर्थ अच्छे तरह से, उन व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद द्वारा यहाँ समझाया गया है वेदों को, स्वामी दयानंद द्वारा। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो भारत को अच्छे तरह से बनाते हुए कौन सा व्यक्ति भारत को अच्छे तरह से लेकर आया और वहाँ सजाया भारत को, या नहीं कि कोई सामान है कि उसे सजा दिए, भारत किस प्रकार से भारत चलेगा, कौन सा विधि लगेगा, क्या होगा, किस तरह से भारत अच्छा लगेगा, इसको कौन सा व्यक्ति आगे लेके आए। इस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय ने, जो कि हिंदू धर्म को भी आगे लेकर आए थे। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को। शून्य का खोज किस व्यक्ति ने किया है, जो कि जीरो का खोज किस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति का क्या नाम है, वह कहाँ के रहने वाले हैं। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उस व्यक्ति का नाम है जो कि भारत के हैं। भारत में किस जगह के, वह बिहार के, और बिहार में किस जगह के, बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना, वह पटना के हैं। मेरी वीडियो अच्छा लगा तुम्हें। भारत में कौन सा एक ऐसा जगह है जहां पर कोरोना नहीं पहुंच पाया, यानी कि वहां कोरोना एक भी नहीं पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति को, वहां पर कोरोना नहीं जा पहुंचा, उस जगह का क्या नाम है। उस जगह का नाम है लक्षद्वीप, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। लक्षद्वीप में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, यानी कि कोरोना एक भी वहां पर नहीं है। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपको कब पता चला कि बुक का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि किताब का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको जब पता चला तो मैं चार सेक्शन में लिख दीजिए। जी, बुक का फुल फॉर्म होता है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। बिग ओशियन ऑफ नॉलेज यह बुक का फुल फॉर्म होता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहे सो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, जो कि सबसे चौड़ी नदी है और जिस पर अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने नाम धरा है। आप लोग पहले ही सुन लिए हैं अमेजन। अमेजन एक ऐसा नदी है जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी में आया है, जो कि जेफ बेजोस ने अपना सपना था उनका कि मेरा इस प्रकार का अमेजन की तरह बहुत बड़ा साम्राज्य फैले, वो फैला भी दिए। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को। कौन सा लकड़ी है जो कि सोने से भी महंगा बिकता है, यानी कि सोने से भी महंगा बिकता है वह लकड़ी? आप लोग कहेंगे कोई ऐसा लकड़ी नहीं जो कि सोने से महंगा बिकता है। जी हाँ, चंदन का जो लकड़ी होता है वह सोने से भी महंगा बिकता है। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँ कुरकुरे चिप्स जो आजकल बाजार में मार्केट में बिक रहा है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? आप लोग कहेंगे ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन में हवा, कौन सा गैस भरा जाता है? उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के कारण जो कुरकुरा होता है या चिप्स, वह नरम नहीं पड़ता है, जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में वह रहता है। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा तो पेटीएम, पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कब पता चला? मेरे चार सच समझो लिखिए। जी हाँ, पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल, यानी कि मोबाइल से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, पे थ्रू मोबाइल पेटीएम का फुल फॉर्म होता है। मगर अगर वीडियो अच्छा लगा, कौन सा एक ऐसा पक्षी है जिसमें पंख नहीं होता है? वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वह पक्षी का नाम है कीवी। कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसमें
पंख नहीं होता है, वहाँ बिना पंख का पक्षी है मात्र एक है, एक वही एक पक्षी है जिसमें पंख नहीं होता है। मेरे वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल के। ताजमहल जो दिल्ली का ताजमहल है उसमें बत्ती लगा हुआ है, आप लोग घूमे होंगे उसमें बत्ती देखे हैं कि लगा हुआ है, एक भी बल्ब नहीं लगा हुआ है। जी हाँ, ऐसा क्यों नहीं लगा हुआ है, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी मैं आपको बताता हूँ कि ताजमहल व्हाइट कलर का है, यानी कि उजला कलर का है। अगर उस पर बत्ती लगा दिया जाता है तो मक्खियाँ अधिक आएगा उस पर, और आने के कारण प्रत्येक दिन अगर मक्खी जिस वस्तु पर बैठ रहे हैं वह वस्तु को गंदा हो ही जाना है, और लाइट लगने पर बहुत सारे मक्खियाँ कीटाणु जीवाणु आएंगे जिसके कारण ताजमहल का रंग खराब होगा और वहां गंदा हो जाएगा, जिसके कारण बत्ती नहीं लगाया जाता है और खूबसूरत दिखने के लिए यहां बत्ती नहीं लगाया जाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।